आपको ऐसा फील होता है? हमेशा प्रयास का और मेहनत का फल मीठा होता है, तो फल तो मीठा है, लेकिन मीठा फल खाते वक्त या खाते खाते इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि फिर कड़वाहट जीवन में आ सकती है। तो आदमी को दुख में सुख में हमारे फादर ने सिखाया था समान भाव से जीना चाहिए, और खुशी में भी कोई गलतियां नहीं करनी चाहिए, किसी को अपमान नहीं करना चाहिए, अपनी औकात में रहना चाहिए, और ख़राब समय में भी मनोबल बढ़ाए रखना चाहिए। तो खुशी में रहे तो अच्छा तो लग रहा है, लेकिन मैं प्रयास करूँगा कि अपने ट्रैक को न छोड़ूँ और भी अच्छा काम करूँ। कभी कभी क्या होता है कि हमने कभी लाइफ पे सोचा भी नहीं था कि हमारे जीवन में इतना संघर्ष करना पड़ेगा, इतनी कठिनाइयाँ आएंगी, इतनी परेशानी, कभी नहीं सोचा था, जितनी आई अब अनुभव के आधार पर लगता है कि इससे भी ज़्यादा आ सकती है। उसी तरह से कभी हमने ये भी नहीं सोचा था कि इतनी खुशियाँ मिलेंगी, फिल्म इतना बड़ा हिट हो जाएगा, लोग तारीफ़ करेंगे, लोग फिल्म देख के इंस्पायर होंगे, बच्चे झुंड के झुंड देखने जाएंगे, हमने कभी ऐसा नहीं सोचा था। तो अच्छा लगता है ये सब सुन के। मुझे बहुत कॉन्फिडेंस था जब उनसे मुलाकात की ऋतिक जी से, तो उनके चेहरे पर जो चमक देखी या फिर देखा कि नहीं वो अच्छा कर सकते, इसके लिए मेरा कॉन्फिडेंस आ गया और मैं बहुत ही आश्वस्त था, निश्चिंत था कि बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन जब फिल्म आई, हमारी उम्मीद से भी कई गुना उन्होंने अच्छा काम किया, बहुत उन्होंने मेहनत की है इसके लिए। सबसे पहले मसल्स को गलाया, फिर हमसे कई मीटिंग की और 150 घंटे का वीडियो बनवाया, हमारा जो लाइफ है डेली रूटीन के बारे में, पढ़ाना, खाना पीना, बात करने के तरीके को, और उसको बार बार वो देखते थे, बताते हैं कि हम रात रात भर देखते थे। और जब कोई चीज़ समझ में नहीं आती थी, लगता था कि एक बार और पूछना चाहिए, तो मैं यहाँ बॉम्बे आता था, उनसे बातचीत करता था। तो बहुत मेहनत किया। एक बार तो वो इतने खो गए मुझसे बात करते करते कि 2 घंटे का शेड्यूल था, 5 घंटे हो गए, और मुझे वो नीचे छोड़ने आए कि चलिए आपको छोड़ देते हैं अपने फ्लैट के, सड़क तक गए। तब उनके स्टाफ ने बोला, सर आप तो पैरों में चप्पल पहनना भूल गए, इतने खो जाते थे। तो बहुत मेहनती इंसान है, मुझे इस बात की खुशी है, गर्व है, और ज़िंदगी भर रहेगा कि ऋतिक जी ने हमारी भूमिका को निभाया। वो इस फिल्म को करने के लिए जितने उत्सुक थे, जितना डेस्परेट थे, ये हमको अच्छा लगा, और मुझे उसी वक्त कॉन्फिडेंस आया कि फिल्म को बहुत अच्छे तरह से करेंगे, क्योंकि उनमें गजब का कॉन्फिडेंस देखा और एकदम परेशान थे कि नहीं, किसी भी हालत में हम ये फिल्म करेंगे, चाहे साल लगे, 6 महीना लगे, 2 साल लगे, हम तैयारी करेंगे। तो इतना कॉन्फिडेंस उनका देखकर, डेडिकेशन देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए, यही तो फिल्म के डायरेक्टर का कमाल है कि उन्होंने कम समय में ही सारी चीज़ों को रख दिया। हाँ, कहानी बहुत बड़ी है, कई चीज़ें छूट गई, हमारा भाई और कैसे कैसे कंट्रीब्यूट किया, वो सब चीज़ें और दिखाने की ज़रूरत थी, लेकिन कम टाइम में उन्होंने जिस तरह से दिखाया है वो लाजवाब है। सबसे बड़ी बात है कि हमारे कई स्टेट के मुख्यमंत्री मुझे बुलवाना चाहते हैं, अपने स्टेट के एजुकेशन को गरीब बच्चों के लिए और बेहतर कैसे बनाया जाए, इसके लिए वो कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। ये सबसे अच्छा लग रहा है, ये एक पॉजिटिव साइन है कि फिल्म देख के केवल युवाओं में नहीं बल्कि गवर्नमेंट भी बदलना चाहती है कुछ। मैथमेटिक्स से मेरा इंटरेस्ट स्कूल में ही डेवलप हुआ, और जब इन तरह के बच्चों के लिए काम किया तो हमारे पास चैलेंज था। तो अभी आप देख रहे हैं भोलू रिक्की की कहानी, आप देख रहे हैं, तो उसी कहानी को अभी हम और ब्रॉड किया है, उसको प्रोजेक्टर पर दिखाते हैं, 2 कहानियों में बताते हैं, और कैसे बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान से जोड़कर पढ़ाया जाए इसका प्रयास करते हैं। इस एक ही सवाल को ज़्यादा से ज़्यादा मेथड से बताया जाए, उसके गहराई तक बच्चों को ले जाया जाए, उसका हाउ एंड व्हाई बताया जाए, इन सब चीज़ों के लिए हम बहुत प्रयास करते हैं, और हम चाहते हैं कि तमाम शिक्षक इसके लिए प्रयास करें ताकि बच्चों को चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे। बहुत खुश थे वो लोग, बार बार यही बोल रहे थे कि फिल्म देख के लग रहा है कि मेरी कहानी दिखाई जा रही है। कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि अरे सर, लग रहा है कि हम आपके क्लासरूम में बैठे हुए। बहुत ज़्यादा उत्साहित, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। ओ, जो माफिया अटैक था, लोग बदनाम करना चाहते थे, केस मुकदमा करके फिल्म रुकवाना चाहते थे, और किसी तरह से चाहते थे कि इसको रोका जाए, लेकिन यही सबसे चैलेंजिंग था। लेकिन उस समय हम बताना चाहेंगे लोगों को कि अगर आप धैर्य बनाए रखिएगा और अपने काम पर पूरा फोकस करिएगा, तो धीरे धीरे
आप सफलता की ओर पहुंच ही जाइएगा। हमारे फादर किए, उसके बाद जब पिताजी नहीं थे तो हमारे भाई और हमारे शिक्षक लोग हैं, बाल गंगाधर प्रसाद, डॉक्टर DP वर्मा साहब, इन लोगों ने काफ़ी इंस्पायर किया मुझे। फैमिली का कितना बड़ा, फैमिली के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। फिल्म में देखे, अगर भाई नहीं होता तो शायद हम इसको नहीं कर पाते। जब भी जान पर खतरा आया, चाहे कोई चीज़ों का अभाव हुआ, तो उसने अपने कैरियर को छोड़कर हमारे लिए, 300 बच्चों के लिए सब कुछ न्यौछावर किया। साथ साथ हमारी माताजी भी कभी दबाव नहीं बनाई कि कोई पोस्ट ऑफिस में जाके, तुम पिताजी के जगह पर नौकरी मिल रही थी उनके डेथ के बाद, तो जाके पोस्ट ऑफिस में तुम नौकरी कर ही लो ताकि दो पैसे घर पर आए। कभी नहीं कहते कि बेटा ठीक है, एक दो घंटा तीन घंटा पापड़ बेचना, उससे घर चल जाएगा, बाकी तुम अपना काम, अपनी ज़िंदगी सोचो। तो सब लोगों का सपोर्ट बहुत मिला। आज पत्नी भी हैं, उनका भी काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है, और बिना सपोर्ट के कुछ हो नहीं सकता है। काफ़ी इंस्पायर करती हैं, कई चीज़ों को बताते रहती है, हमसे कोई गलती होती है वो भी बताती कि आप कहीं गलत ना हो जाए, तो पूरे परिवार का सपोर्ट है। बहुत चेंज लाएगी, सबसे ज़्यादा तो स्टूडेंट्स में और यूथ में लाएगी। जो निराश लोग हैं उनको आगे बढ़ाएगी, उनको हौसला बढ़ाएगी फिल्म, उनको मदद करेगी इस बात के कि अगर आप मेहनत करिएगा तो आपको सफलता जरूर। मैथमेटिक्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, काफ़ी लॉजिकल है। इससे सिर्फ मैथमेटिक्स के ही सवाल नहीं बनते, बल्कि ज़िंदगी की कई अन्य समस्याओं का भी आप समाधान मैथमेटिक्स से आप कर सकते हैं। इसलिए मैथमेटिक्स का हाउ एंड वाई जाने, उसको आम जीवन से जोड़कर पढ़ रहे, उसकी गहराई तक जाने, तो फिर मैथमेटिक्स में इतना मज़ा आएगा कि पूछिए मत।